हेलो एवरीवन, मेवार ई नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वड़ेकम। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO, NHM, RSM, SSB, स्टाफ नर्स, CNM, KGMU, DSS, SSB, BFHU या DGHS, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ामों की तैयारी के लिए अपन लेके आए हैं क्लासेस मेवाड़ ई नर्सिंग MCQ, गोल्डन MCQ के साथ में OBG नर्सिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ, ठीक है। और उसी के अंदर दो दिन तो अपने हो चुके हैं और तीसरा दिन आज है फीमेल पेल्विस, आज अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा फिटल हेड पढ़ेंगे, पोजीशंस पढ़ेंगे, कुछ प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कुछ अपन, और कुछ लाई, कुछ एटीट्यूड एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है आज अपन लर्न करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम आज के इस क्लास को, इम्पोर्टेंट क्लास है अपनी OBG नर्सिंग यानी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग की, तो आज अपन कैरी ऑन करते हैं बिना किसी डिले और बिना किसी इंतजार के। तो क्या कहता है हमारा पहला MCQ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला MCQ है इन रिकेट्स डिजीज, ठीक है। रिकेट्स डिजीज के अंदर पेल्विस का टाइप क्या होता है, मे हैव रिस्क इज, ठीक है, गायनेकोइड, एंथ्रोपोइड, पैलेटिपलोइड एंड कॉन्ट्रैक्टेड। पेल्विस जो होती है, फीमेल पेल्विस की अगर मैं बात करूँ सिंपली, ठीक है, तो फीमेल पेल्विस होती है कितनी बोन से कंसिस्ट होती है, कितनी बोन से बनी होती है, ये 4 बोन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। दो तो इसकी होती है इननोमिनेट बोन, ठीक है, एक होता है इसके अंदर सेक्रम, एक होता है कोकिक्स, ठीक है। ये 3 बोन से मिलकर पेल्विस बनती है, फीमेल पेल्विस, ठीक है। इसके अलावा इननोमिनेट बोन जो होती है, इन दोनों इननोमिनेट बोन के अंदर वापस 3 पार्ट होते हैं, 3 अलग अलग बोन होती है इसके अंदर ही पाई जाती है, और उनके नाम है वन बाय वन करके मैं बता देता हूँ आपको। इननोमिनेट बोन जो होती है, ये मैं लिख देता हूँ, इननोमिनेट बोन, और इसका अंदर होती है, एक तो होती है एलियम, एक होती है एस्चियम, एक होती है प्यूबिस, और प्यूबिस बोन जहाँ पे दोनों प्यूबिस बोन मिलती है उस एंगल को अपन बोलते हैं, उस जॉइंट को अपन बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या बोलते हैं? सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात कर लेता हूँ फीमेल पेल्विस में पाए जाने वाले जॉइंट की। जॉइंट कितने पाए जाते हैं? जॉइंट इसके अंदर 4 पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जॉइंट आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस, क्या है, आगे की तरफ जो जुड़ा होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। दूसरा है, यहाँ पे पी कर देना, ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। दूसरा है जहाँ से आपके सेक्रम और जहाँ से कॉकिक्स जुड़ती है, ठीक है, तो उसको अपन बोल सकते हैं सेक्रो कोकीजियल जॉइंट, सेक्रो कोकीजियल जॉइंट मतलब सेक्रम और कॉकिक्स जहाँ पे मिलती है, ठीक है। तीसरा है आपके बनेगा जॉइंट एलियो सेक्रम जॉइंट, एलियो सेक्रम यानी जहाँ पे एलियम और सेक्रम दोनों क्या होंगे, बाइंड होंगे, और ये जॉइंट जो होता है नंबर में 2 होता है, एक राइट में एक लेफ्ट में, दोनों की तरफ है, दोनों ही तरफ एलियम बोन होगी और दोनों ही तरफ क्या होगा, ये जुड़ा होगा। तो नंबर ऑफ बोन आपके 4 होती है, नंबर ऑफ जॉइंट भी फीमेल पेल्विस के अंदर 4 होते हैं, और 4 ही फीमेल पेल्विस के टाइप भी होते हैं, ठीक है। तो 4 का आंकड़ा आपको बिल्कुल नहीं भूलना है इसके अंदर, ठीक है। तो 4 टाइप होते हैं इस फीमेल पेल्विस के, 3 तो आपके सामने ऑप्शन में दे रखे हैं, एक होता है गायनेकोइड, एक होता है एंथ्रोपोइड, एक होता है पैलेटिपलोइड, और चौथा जो टाइप होता है वो आपका होता है, चौथा टाइप एंड्रॉइड, क्या होता है, एंड्रॉइड जो पेल्विस होती है वो हर्ट शेप की होती है, ठीक है। और गायनेकोइड जो होती है, गायनेकोइड सूटेबल पेल्विस मानी जाती है,
मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल पेल्विस होती है, ये एबनॉर्मल पेल्विस नहीं होती है, ये सुटेबल फॉर चाइल्ड बियरिंग, चाइल्ड बियरिंग मतलब चाइल्ड के पास होने के लिए, चाइल्ड को बर्थ होने के लिए सुटेबल पेल्विस होती है ये, जो गायनेकोइड मानी जाती है, ठीक है। बाकी सारी जो पेल्विस है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, आपके ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकती है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टेड जो पेल्विस होगी वो क्या करेगी, रिकेट्स डिजीज करेगी, क्या करेगी, रिकेट्स डिजीज कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट होगी पेल्विस तो रिकेट्स डिजीज हो सकती है उस पेशेंट के, उस बच्चे के अंदर। नेक्स्ट लिखा है द पेल्विस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन आर, मैंने अभी बताया था कितनी बोन होती है, एक बोन, चार बोन, पांच बोन या तीन बोन, तो चार बोन होती है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। दो इंडोमिनेट होती है, एक सेक्रम होता है, एक कॉकिक्स होता है, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट लिखा है ट्रू पेल्विस इज आल्सो नाउन एज, ट्रू पेल्विस अपन किस कंडीशन को बोल सकते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड पेल्विस को, पैलेटिपेलोइड पेल्विस को, गायनेकोइड को, क्या एंथ्रोपोड, ये चारों टाइप है पेल्विस के, इनमें से बताना है ट्रू पेल्विस। और ट्रू पेल्विस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा ट्रू पेल्विस का मीन होता है, आपके सामने आता है वो ट्रू पेल्विस का सिंपल सा मीन क्या होता है, कि चाइल्ड बियरिंग पेल्विस है, ये एक प्रकार की क्या है, चाइल्ड बियरिंग पेल्विस है, मतलब सुटेबल पेल्विस मानी जाती है, वो टाइप बताना आपको ट्रू पेल्विस के अंदर। तो वो अपन ने अभी पढ़ा, अपने कहा गायनेकोइड था, क्या था राइट आंसर, गायनेकोइड, और यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है शेप ऑफ गायनेकोइड पेल्विस ब्रिम इज, गायनेकोइड पेल्विस का ब्रिम होता है उसका शेप क्या होता है, ठीक है, तो उसका शेप आपको बताना है, राउंड शेप होता है क्या, ओवल शेप होता है क्या, फ्लैट होता है क्या, हर्ट शेप होता है क्या। हर्ट शेप तो आपका इवन सबको पता है, एंड्रॉइड में चला जाएगा, फ्लैट है वो पैलेटिपेलोइड में, पैलेटिपेलोइड जो पेल्विस होती है, पैलेटिपेलोइड जो पेल्विस होती है उसके अंदर आपका फ्लैट पेल्विस मिलेगा, राउंड जो होगा वो आपके गायनेकोइड, और ओवल जो होगा ओवल शेप का वो आपके मिलेगा एंथ्रोपोइड में, किस में, एंथ्रोपोइड में। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, बिल्कुल और राइट है। तो चारों ही टाइप है और चारों ही यहाँ पे शेप दे रखे हैं, राउंड है आपका गायनेकोइड, ओवल है एंथ्रोपोइड, फ्लैट है पैलेटिपेलोइड, और हर्ट शेप है वो एंड्रॉइड में, कहाँ पे, एंड्रॉइड में। नेक्स्ट फेवरेबल फीमेल पेल्विस फॉर नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेवरेबल पेल्विस कौन सी होती है, ऑप्शन ए एंड्रॉइड, ऑप्शन बी गायनेकोइड, ऑप्शन सी पैलेटिपेलोइड, और ऑप्शन डी एंथ्रोपोइड। फेवरेबल पेल्विस आप किसको मानते हो, गायनेकोइड को, किसको मानते हो, गायनेकोइड को। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो फेवरेबल पेल्विस कौन सी मानी जाती है मेरे दोस्तों, फेवरेबल पेल्विस आपकी गायनेकोइड पेल्विस मानी जाती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्क्राइब टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस, मतलब फीमेल पेल्विस का टाइप जो नहीं है वो आपको फाइंड करके बताना है, एंड्रॉइड, गायनेकोइड, ऑब्स्टेट्रिक एंड एंथ्रोपोइड। इस ऑब्स्टेट्रिक की जगह पर अगर एंड्रॉइड होता तब अपन चूज ही नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक आया है, ऑब्स्टेट्रिक कोई सा यहाँ पे टाइप होता नहीं है, तो नोट में पूछा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़िया, गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, देखो कौन सा टाइप है पूछने का वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग पेल्विस इज करेक्ट, कौन सा पेयर है पेल्विस के रिगार्डिंग है वो करेक्ट है, करेक्ट सीक्वेंस मैच करता है। गायनेकोइड जो है राउंड पेल्विस होती है, राउंड शेप होता है, और ये फीमेल टाइप का होता है। फिर लिखा है फीमेल का सुटेबल पेल्विस होता है, फिर लिखा एंड्रॉइड पेल्विस हर्ट शेप होता है, और मेल टाइप का ये ट्राइंगुलर अपन बोल सकते हैं इसको। एंथ्रोपोइड जो होता है वो ओवल शेप का होता है, और
पलेटी पैलेट जो है फ्लैट टाइप की होती है। अब आपको यूं बताना है कि कौन सा है वो करेक्ट है। ऑप्शन एक और है, ध्यान रखना, अभी ऑप्शन पूरे नहीं हुए, ऑप्शन ए बी सी डी हुआ। अब एक ऑप्शन और है, ऑल ऑफ दी अबव, ई ऑप्शन भी है यहाँ पे, हालांकि ऐसा आता नहीं है लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया, मैंने आपको पढ़ाने के लिए डाला। तो ये जो है गायनेकोइड जो पेल्विस है वो राउंड शेप होती है, मैंने अभी बता ही दिया था आपको, फीमेल टाइप की पेल्विस होती है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। एंड्रॉइड पेल्विस होती है वो हर्ट शेप की होती है, और मेल के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है हर्ट शेप पेल्विस, ये एंड्रॉइड टाइप के मेल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और ये ट्राइंगुलर होती है, मतलब ये इस शेप की होगी, ठीक है। और राउंड का मतलब तो ये राउंड है बिल्कुल, एक मिनट, ठीक है। और ये राउंड, बिल्कुल राउंड होगी, ठीक है। ओवल शेप का मतलब होता है लाइक दैट, ठीक है। इसका ब्रिम जो होगा वो इस प्रकार का होगा, और फ्लैट का मतलब होता है फ्लैट होगी, ठीक है। तो प्लेटी पेलोइड का मतलब फ्लैट टाइप की होगी, ठीक है। ओवल शेप एंथ्रोपोइड में ओवल शेप होगी। तो राइट आंसर ये सारे ही क्या है यहाँ पे, करेक्ट है, सारे ही यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट बढ़े आगे, ई राइट आंसर है यहाँ पे, मतलब सारे के सारे क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। नेक्स्ट, द सूचर दैट सेपरेट द पेराइटल बोन फ्रॉम द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन इज कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सूचर के ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये कहा किसका है, फिटल स्कल स्टार्ट हो चुका है। तो पहले मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ फिटल स्कल की, ताकि आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आ जाए। ये सपोज फीटल स्कल है, ठीक है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ये इधर मैं पी कर देता हूँ, ये ए कर देता हूँ, मतलब एंटीरियर पार्ट है। यह आपकी फ्रंटल बोन है, ये दोनों ही क्या है, फ्रंटल बोन है। ये आपकी क्या है, सूचर है, कौन सा सूचर है, सजाइटल सूचर है। और ये आपकी पेराइटल बोन है, ये आपकी ऑक्सीपिटल बोन है, ये ब्रेगमा है, ये लेम्ब्रा है, ठीक है। अब सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कब बोन जो होती है, बोन कितनी होती है यहाँ पे, पांच। फिर मैं यहाँ पे फिटल स्कल कंसिस्ट ऑफ फाइव बोन, ठीक है। सूचर कितने होते हैं यहाँ पे, तो सूचर को अपन काउंट करके बता देते हैं। तो सूचर जो होगा वो आपको एक एक कलर में बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो सूचर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये दोनों ही सूचर, इनका नाम है कोरोनल सूचर, ठीक है। ये जो सूचर दिख रहा है आपको, ये इसका नाम है फ्रंटल सूचर, क्या है इसका नाम, क्या है, फ्रंटल, फ्रंटल सूचर, ठीक है। ये जो सूचर दिख रहा है आपको, ये वाला, इसका नाम है सेजाइटल सूचर, क्या है, सेजाइटल सूचर, ठीक है। एक लास्ट सूचर है यहाँ पे, यहाँ पे ये जो सूचर दिख रहा है आपको, ये दोनों ही, ये है आपका लैम्डोइड सूचर, लैम्डोइडल सूचर। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे थिंग्स है सारी की सारी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो समझ लेना आज का आज, वरना फिर समझ में आने वाला नहीं है। और ये जो ऊपर की तरफ जो स्पेस दिख रहा है आपको, बिटवीन द सूचर, सूचर के बीच में, चारों तरफ इसके सूचर होते हैं, उसके बीच में, तीन तरफ हो सकते हैं, चार तरफ हो सकते हैं, उसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है उसको अपन बोलते हैं लैम्ब्रा, सॉरी यहाँ पर फंडेनल बोलते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, फंडेनल। और इस फंडेनल का नाम क्या है, ब्रेगमा, क्या है इसका नाम, ब्रेगमा, इसका नाम क्या है, ब्रेगमा, ठीक है। और ये जो फंडेनल है पीछे की तरफ, इसका नाम क्या है आपका, ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड में जो फंडेनल होता है, इसका अपन बोल सकते हैं लैम्ब्रा, ठीक है। और इसी लैम्ब्रा को अपन और क्या बोल सकते हैं, पोस्टीरियर फंडेनल, पोस्टीरियर
फंटेनल, और ब्रेकमा को क्या बोल सकते हैं, एंटीरियर फंटेनल। और ये ब्रेकमा जो होता है वो होता है डायमंड शेप का, क्या होता है, किस टाइप का होता है, डायमंड शेप का। और पोस्टीरियर लेम्बडा जो होता है वो ट्राई एंगुलर शेप का होता है, ट्राई एंगुलर शेप का होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसके अंदर क्या चीज़ बतानी रह गई है वो आप मुझे बता सकते हो। अब इसके अंदर एक ही चीज़ बतानी रह गई है कि सूचर कितने हैं। सूचर है आपका, एक तो होता है कोरोनल, एक होता है सजाइटल, एक होता है फ्रंटल, एक होता है लेम्डोइड, ठीक है। अब छह सूचर होते हैं, अब छह कैसे होंगे बता देता हूँ मैं। एक तो सजाइटल होगा, एक फ्रंटल होगा, दो हो गए, एक लेम्डोइडल होगा, दो लेम्डोइडल होंगे, ठीक है, दो और दो चार हो गए, और दो यहाँ पे कोरोनल होंगे, तो दो कोरोनल, दो यहाँ पे लेम्डोइडल, चार तो ये, एक फ्रंटल, एक सजाइटल, कितने हो गए, छह फ्रंटल, छह क्या हो गए यहाँ पे, सूचर हो गए, और पांच हो गए यहाँ पे बोन, और हो गए फंटेनल, कितने हो गए फंटेनल, हो गए एक तो ब्रेगमा, एक एंटीरियर, और दूसरा है लेम्बडा जो पोस्टीरियर होता है, ठीक है। एक फंटेनल और होता है, फंटेनल दो और होते हैं, ये इस प्रकार से होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, सारे के सारे बताऊँगा, चीज़ें सारी बताऊँगा मैं, ये बाद में बनेंगे सारे के सारे, ये क्या है बाद में बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर टेम्पोरल बोन आ जाएगी फिर, ठीक है, तो ये बाद में फ्यूज होके बनेंगे। तो ये है एंटीरियो लेटरल, दोनों ही एंटीरियो लेटरल फंटेनल, ये राइट का है लेफ्ट का, ये पोस्टीरियो लेटरल। तो फंटेनल भी कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः फंटेनल हो गए यहाँ पर, कितने हो गए, छः फंटेनल हो गए, तो छः फंटेनल, छः सूचर, पाँच बोन, ये स्पिटल स्केल के अंदर होती है। अब मेन जो चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये पूछी जाती है कि आपका जो ब्रेगमा है, आपका जो ब्रेगमा है ये कब क्लोज होता है, ये 12 से लेकर 18 महीने पर क्लोज होगा, ठीक है, 12 से लेकर 18 महीने पर, यानी एक साल से डेढ़ साल के बीच में ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पोस्टीरियर होता है फंटेनल, ये सिक्स वीक पर ये क्लोज होगा, मतलब एक सही एक बटा दो मंथ, मतलब डेढ़ मंथ पर यह क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और इसी को ध्यान रखते हुए एक अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको और आंसर देना है, तो याद रखना, सूचर जो होता है, सूचर जो सूचर के बीच में जो गैप होता है, वाइड गैप, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फंटेनल बोल सकते हैं, ठीक है, बाकी बोन होती है, ये आपको पता ही है। तो अब आपको बताना है राइट आंसर। अब लिखा है द सूचर दैट सेपरेट द पेराइटल बोन फ्रॉम द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। अब यहाँ पे पूछा है कि एक सूचर है, अब सूचर में देखो ये है आपका वापस पेटल स्कल है, अब यहाँ पे एक तो पेराइटल बोन की बात कर रहा है, एक ऑक्सीपिटल की, ये पोस्टीरियर मान लेता हूँ, ये एंटीरियर मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन है, ठीक है, ये ऑक्सीपिटल बोन हो गई। अब पेराइटल बोन को आपको निकालना है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे पोस्टीरियर फंटेनल हो गया, ये आपका एंटीरियर फंटेनल हो गया, ठीक है, और ये आपका कोरोनल सूचर हो गया, और ये आपकी पेराइटल बोन हो गई, ये आपकी वापस फ्रंटल बोन हो गई, ठीक है। अब ये क्यों पूछ रहा है कि पेराइटल, ये पेराइटल बोन है, ठीक है, एंड ऑक्सीपिटल, एंड जो ऑक्सीपिटल एंड पेराइटल बोन, इसके बीच का जो आपका सूचर जो सेपरेट कर रहा है, जो सूचर है, उस सूचर का नाम बताना है आपको कि ये जो सूचर है वो कौन सा है जो पेराइटल बोन को ऑक्सीपिटल बोन से अलग कर रहा है, ठीक है। तो इसका सूचर का डिवाइड करने का काम है, ये सूचर कौन सा है, इस सूचर का नाम पूछा है, ठीक है। तो ये सूचर है आपका, क्या सेजाइटल होगा, क्या फ्रंटल होगा, क्या कोरोनल होगा, क्या लेम्डोइडल होगा, तो ये सूचर आपका क्या है, लेम्डोइडल सूचर है, नीचे वाला क्या है, लेम्डोइडल। अगर मान लो आपके पेराइटल और फ्रंटल की बात करें तो कोरोनल आ जाएगा, अगर आपके दोनों पेराइटल की बात करें तो सेजाइटल आ जाएगा, दोनों फ्रंटल की बात करें तो फ्रंटल सूचर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि सेजाइटल जो सूचर होता है बिटवीन टू पेराइटल बोन, ठीक है, टू पेराइटल बोन के बीच में होता है। फ्रंटल सूचर जो होता है बिटवीन टू फ्रंटल एंड नहीं है, बस यही है, टू फ्रंटल बोन के बीच में होता है। कोरोनल सूचर की मैं अगर बात करूं तो ये बिटवीन होता है, बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल, फ्रंटल और पेराइटल के बीच में ही होता है।
और लैम्डोइड जो सूचर होता है ये बिटवीन बिटवीन पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल के बीच में होता है, ठीक है। सारे के सारे बोन है, सारे के सारे सूचर है, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया। अब यहाँ पे पूछा है पेराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में, ये पेराइटल ये ऑक्सीपिटल बोन कौन सा है, लैम्डोइडल सूचर। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आया समझ में सभी को? बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन ह्यूमन फेटल स्कल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ब्रेगमा टू द नेप ऑफ द नेक इज टर्म्ड एज। पूछा क्या है ह्यूमन के अंदर जो फेटल स्कल होता है उसका डिस्टेंस पूछा है बिटवीन द सेंटर ऑफ ब्रेगमा, यानी ब्रेगमा ये आपका क्या है, ये यहाँ पर मान लीजिए ब्रेगमा है, ठीक है, ये फेटल स्कल है, ठीक है, ये आपका ऑक्सीपिटल बोन है, ठीक है। अब ब्रेगमा के सेंटर से लेकर यहाँ पे नेप ऑफ द नेक इज टर्म, ये यहाँ तक का सूचर यहाँ तक का पूछा है, ठीक है, नेप ऑफ द नेक, नेक यानी गला, ठीक है, वहाँ तक, तो इसका आपको बताना है। सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक होगा, मेंटो वर्टिकल होगा, मेंटो ब्रेगमेटिक होगा, या सब ऑक्सीपिटल फ्रंटल होगा, तो ये ए राइट है, सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक, यानी नेक के बारे में पूछा है तो ये ऑक्सीपिटल है, ये आपका क्या है ऑक्सीपिटल है, ये आपका ऑक्सीपिटल एरिया है, ये आपका ब्रेगमा वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो सब ऑक्सीपिटो यानी ऑक्सीपिटो से नीचे की तरफ, ठीक है, ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक यानी ब्रेगमा तक जाएगा, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है मेंटो वर्टिकल जो जॉइंट मेंटो वर्टिकल जो आपके होता है, ठीक है, तो इसका जो ये वर्टेक्स वाला एरिया ये मेंटम वाला एरिया, तो मेंटो वर्टिकल ये 14 सेंटीमीटर का होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है, वाइड होता है, इसको वाइड डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर मेजर 9.5 10 सेंटीमीटर 11.5 या तो सी राइट है यहाँ पे 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे सब हटा दूँ मैं, अगर आपको सब हटा के बताऊँ तो मेंटो वर्टिकल हो जाएगा और मेंटो वर्टिकल आपके 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फेटल स्कल इज, फेटल स्कल का लार्जेस्ट डायमीटर किसका होता है, मेंटो वर्टिकल ऑक्सीपिटो फ्रंटल सब मेंटो वर्टिकल और सब मेंटो ब्रेगमेटिक, तो मेंटो वर्टिकल सबसे बड़ा होता है, मैंने अभी आपको बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीरियर फ्रंटनल क्लोज एट, ये भी मैंने आपको बता दिया 12 मंथ पर 11 मंथ पर डेढ़ मंथ पर या 6 मंथ पर, तो डेढ़ मंथ पर जो क्लोज होता है वो आपका पोस्टीरियर होगा, पोस्टीरियर फ्रंटनल मतलब लैम्बडा, ठीक है, लैम्बडा जो क्लोज होगा, लैम्बडा जो क्लोज होगा वो आपके यहाँ पे डेढ़ मंथ पर क्लोज होगा, लेकिन एक साल से डेढ़ साल के बीच में जो क्लोज होगा वो आपका एंटीरियर फ्रंटनल होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं ब्रेगमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रेगमा बोलते हैं, डायमंड शेप का होता है, डायमंड शेप का होता है, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है, यानी 12 से लेके 18 मंथ, जिसको अपन एक बटा दो ईयर यानी डेढ़ साल तक ये क्लोज होता था। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको पता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक मान लो 2 साल का बच्चा आया है आपके पास में, ठीक है, और उसको डिहाइड्रेशन है सीवियर, तो आप क्या सबसे पहले चेक करोगे, तो आप लिख देते हो वहाँ पे एंटीरियर फंटेनल, ठीक है, लेकिन वहाँ पे रोंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 साल का बच्चा आया है आपके पास में, तो 2 साल पर ये क्लोज हो जाएगा, फिर आप किसको चेक करोगे, तो उसकी सनकन आइज देखनी पड़ती है, क्या देखना पड़ता है सनकन आइज, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टीरियर फंटेनल इज आल्सो नोन एज, पोस्टीरियर फंटेनल को अपन क्या बोल सकते हैं, ब्रेगमा स्क्वेमस मस्टोइड और लैम्बडा, तो मस्टोइड जो होता है वो आपके लेटरल होता है, लेटरल पीछे की तरफ, पोस्टीरियर लेटरल जो फंटेनल होता है उसको अपन बोल सकते हैं, एंटीरियर लेटरल को अपन स्क्वेमस बोल सकते हैं, ठीक है, एंड लैम्बडा को अपन पोस्टीरियर फंटेनल बोल सकते हैं और ब्रेगमा को एंटीरियर बोल सकते हैं, ये दोनों लेटरल होते हैं, ये एंटीरियर लेटरल स्क्वेमस जो होता है एंटीरियर लेटरल, ये मस्टोइड होता है पोस्टीरियर लेटरल, ये चारों है, अब मैं आपको वापस बता देता हूँ ये चारों कहाँ कहाँ होते हैं, जो आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा, ठीक है।
ये आपके फ्रंटल बोन है, ये आपके ऑक्सीपिटल या पैराइटल या टेम्पोरल, ठीक है, ये फिटल स्कल है पूरा, ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट है या पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, ये पोस्टीरियर पार्ट लिख देना। ब्रेगमा जो है वो ब्रेगमा ये वाला, ठीक है, और लेमड़ा जो है ये वाला, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ मस्टोइड और स्क्वमस, स्क्वमस जो होगा वो ये वाला होगा, स्क्वमस ये वाला, ठीक है, आगे वाला दोनों ही लेटरल लेटरल दोनों एंटीरियर लेटरल, और मस्टोइड जो होगा पीछे की तरफ इन्हें पोस्टीरियर लेटरल, ठीक है, आया समझ में? अब तो बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डी इज द राइट आंसर। पोस्टीरियर बंडल का नाम क्या है, दूसरा नाम यहाँ पे लेमड़ा, क्या होगा यहाँ पे लेमड़ा, आया समझ में सभी को? गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। एंगेजिंग डायमीटर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में एंगेजिंग डायमीटर आपको बताना है कौन सा होगा, एंगेजिंग डायमीटर, ठीक है, ये आपको बताना है निम्नलिखित में से आपको ये बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सब मेंटो वर्टेक्स, सब मेंटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक, सब मेंटो ब्रेगमेटिक एंड मेंटो वर्टिकल, ये आपका फिटस है, फिटस का स्कल है, ये आपका मेंटम है, ये आपका ऑक्सीपिटल है, ये आपका वर्टेक्स एरिया है, ये आपका ब्रेगमा है, ठीक है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन अपन को करना है अगर, तो आप क्या करोगे, सब ऑक्सीपिटो और ब्रेगमेटिक ये वाला अगर आप चूज करोगे तो सब मेंटो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी सब ऑक्सीपिटो फ्रंट ब्रेगमेटिक, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, यानी सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक जो होगा वो एंगेजिंग डायमीटर यानी वर्टेक्स पोजीशन उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ वापस, ये वर्टेक्स, ये ऑक्सीपिट, ऑक्सीपिट का नीचे की तरफ सब ऑक्सीपिटो, अब ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, ये ऑक्सीपिट, ये ब्रेगमा, सॉरी ये वर्टेक्स नहीं है, ब्रेगमा है, ठीक है, ब्रेगमा, और ये तो सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक जो डायमीटर है, ये डायमीटर क्या होगा, ये यहाँ पे टच होगा, ये भी टच होगा पेल्विस का, और ये वाला जो होगा ये अपन को फील होगा बाहर की तरफ दिखाई देगा, तो ये वर्टेक्स पोजीशन हो जाएगी, प्रेजेंटेशन कौन सा हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा, और ये नॉर्मल होता है, क्या होता है, नॉर्मल माना जाता है, ठीक है, इसीलिए ये पूछा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिटल प्रेजेंटेशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर बर्थ एंड वेजाइनल डिलीवरी, निम्नलिखित में से कौन सा फिटल प्रेजेंटेशन है वो मोस्ट फेवरेबल माना जाता है, क्या माना जाता है, मोस्ट फेवरेबल माना जाता है फॉर बर्थ यानी बेबी के बर्थ के लिए और वेजाइनल डिलीवरी के लिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन पूछा है, वर्टेक्स, सिफेलिक, ब्रिज और शोल्डर, तो वर्टेक्स, सॉरी यहाँ पे सिफेलिक अपन नॉर्मल मानते हैं, क्या मानते हैं, सिफेलिक को नॉर्मल माना जाता है, बट सिपेलिक में भी कितने होते हैं, एक फेस प्रेजेंटेशन हो सकता है, एक वर्टेक्स हो सकता है, एक आपका मेंटम हो सकता है, मेंटम सॉरी ब्रो अपन बोल सकते हैं, और ब्रो, ठीक है, तो ब्रो प्रेजेंटेशन हो सकता है, वर्टेक्स हो सकता है, फेस हो सकता है, तीनों ही आते हैं इसके अंदर, बाकी ब्रेस तो एबनॉर्मल है, शोल्डर भी एबनॉर्मल है, पर सिपेली के अंदर तीनों आते हैं, और तीनों में भी वापस वर्टेक्स जो होगा वो प्रेजेंटेशन बिल्कुल यहाँ पे फिटल प्रेजेंटेशन पूछा है, ठीक है, ये जो प्रेजेंटेशन होगा वर्टेक्स वाला ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे जाएगा, और ये कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्टेक्स पोजीशन ऑफ फिटस मीन, वर्टेक्स पोजीशन का मीन क्या होता है फिटस के अंदर, हेड इज टॉवर्ड फंडस ऑफ यूट्रस, यानी जो वर्टेक्स पोजीशन का मतलब क्या होगा कि बच्चे का जो हेड है वो यूट्रस के फंडस की तरफ है, ठीक है, तो अगर यूट्रस के फंडस की तरफ उसका हेड होगा बच्चे का तो वो ब्रिज प्रेजेंटेशन होगा, क्या होगा, ब्रिज प्रेजेंटेशन, मतलब ये ऐसा पूछ रहा है कि ये जो बच्चा है आपका, ये आपका यूट्रस है, ठीक है, और बच्चे का जो हेड है वो इधर इधर है, और पैर जो है वो इधर है, पैर वो इधर है, ठीक है,
ये तो हो गया आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन। क्या होगा? ब्रीच। अगर हेड इधर होता तब आपका यहाँ पे सिफिलिक प्रेजेंटेशन होता, ठीक है, या वर्टेक्स पोजीशन होती। हेड इज अनस्टेबल, फिर लिखा है हेड इज टॉवर्ड मदर पेल्विस, एंड फिर लिखा है हेड इज ऑब्लिक इन यूट्रस। हो मतलब ऑब्लिक जो शेप होगा वो भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनली होता है वही अपन नॉर्मल मानते हैं। तो हेड इज द टॉवर्ड मदर्स पेल्विस, एंड मदर की पेल्विस की तरफ, ये पेल्विस है इसकी तरफ उसका हेड होगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक समझ में आया सभी को? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटिंग पार्ट इन वुमन ड्यूरिंग लेबर इज नॉट करेक्ट। यानी निम्नलिखित में से आपको ऐसा जोड़ा बताना है, ऐसा पेयर्स बताना है रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, किसके रिगार्डिंग? प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग। एंड प्रेजेंटिंग पार्ट इन वुमन ड्यूरिंग लेबर इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट मैच नहीं कर रहा है वो आपको बताना है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सिपेलिक प्रेजेंटेशन में चिन्ह आता है क्या, या फेस प्रेजेंटेशन में फेस आता है, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन में शोल्डर आता है, ब्रिज प्रेजेंटेशन में बटक्स आते हैं? इनकरेक्ट कौन सा है, मतलब नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट आपको बताना है। तो सिपेलिक प्रेजेंटेशन की मैं अगर बात करूं तो इसमें 3 चीज़ें आ सकती है, फेस आ सकता है, ब्रो आ सकता है, वर्टेक्स आ सकता है। लेकिन नॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो सिपेलिक प्रेजेंटेशन में नॉर्मली वर्टेक्स आना चाहिए, ठीक है। अपन आशा यही करते हैं कि वर्टेक्स आए तो अच्छा रहेगा। तो चिन यहाँ पर बहुत बुरी चीज़ हो जाती है बहुत यहाँ पर, तो ये नॉट करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा, मतलब ये करेक्ट नहीं है। फेस प्रेजेंटेशन में फेस आता है, बिल्कुल राइट है। ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन में शोल्डर आता है, बिल्कुल राइट है। ब्रिज में बटॉक्स आते हैं, ये भी राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर ए है जो वो इन रोंग, यहाँ पर रोंग चला गया, तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, क्योंकि नॉट करेक्ट ही पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इन फेस प्रेजेंटेशन द डिनोमिनेटर इज द, फिर फेस प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर कौन सा होगा? वर्टेक्स होगा क्या, फ्रंटल एमिनेंस होगा क्या, एक्रोमियन होगा क्या, या मेंटम होगा? तो यहाँ पे फेस प्रेजेंटेशन है, तो फेस प्रेजेंटेशन में वेलकम साइन होता है और ये बच्चा बोलता है हाय, हाय में आ गया, ठीक है। ये आपका ब्रो है, ये आपका मेंटम है, ये आपका पूरा का पूरा क्या है? फेस प्रेजेंटेशन है। इसके अंदर मेंटम जो होगा वो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर मेंटम हो जाएगा, ठीक है। अब वर्टेक्स जो है डिनोमिनेटर किस में होगा, सॉरी, वर्टेक्स के अंदर डिनोमिनेटर कौन सा होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में कौन सा होगा? तो वर्टेक्स में आपका ऑक्सीपिटल होगा, क्या होगा? ऑक्सीपुट। और ब्रो में कौन सा होगा? ब्रो फेस प्रेजेंटेशन में कौन सा होगा? यहाँ पे मेंटम। और ब्रो में कौन सा होगा? ब्रो में आपका ब्रेगमा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ फिटल हेड, रिलेशनशिप ऑफ फिटल हेड एंड लिम्ब इट्स ट्रंक इज कॉल्ड। रिलेशनशिप बताना है फिटल हेड और लिम्ब के बीच में, किसके बीच में? फिटल हेड और लिम्ब के बीच में। लाइक बोल सकते हैं क्या इसको? प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं क्या? एटीट्यूड बोल सकते हैं या पोजीशन बोल सकते हैं? फिटल हेड का और ट्रंक यानी उसकी धड़ और उसके हाथ का जो रिलेशनशिप होगा एक दूसरे के अप, एक दूसरे के यहाँ पे लिए, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन एटीट्यूड बोलेंगे, मतलब फिटल एटीट्यूड। ये एटीट्यूड कितने प्रकार के होते हैं? एटीट्यूड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है फ्लेक्स, एक होता है एक्सटेंशन, ठीक है। लाई जो होती है, एक होती है ट्रांसवर्स लाई, मतलब ट्रांसवर्स होता है बच्चा इस प्रकार से होता है यूट्रस में, ठीक है। और फिर होती है दूसरी लाई, दूसरे प्रकार की लाई कौन सी होती है? ओब्लिक लाई,
यानी बच्चा आड़ा होगा, तिरछापन लिए होगा, ठीक है। और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल, और लॉन्गिट्यूडिनल मतलब सीधी की सीधी, चाहे इसमें ब्रिज हो सकता है प्रेजेंटेशन, या इसमें कौन सा हो सकता है आपका स्पेलिंग भी हो सकता है, ठीक है। और ट्रांसवर्स में कौन सा प्रेजेंटेशन होगा, मतलब ट्रांसवर्स लाई होगी तो प्रेजेंटेशन कौन सा होगा, शोल्डर होगा, क्या होगा, शोल्डर होगा, ठीक है। मतलब शोल्डर का पार्ट सबसे पहले यहाँ पे ऑक्यूपाई होगा लोअर पोल ऑफ द यूट्रस पर, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फेस प्रेजेंटेशन एटीट्यूड ऑफ द हेड विल बी, यानी फेस प्रेजेंटेशन, यानी सबसे पहला अगर फेस आएगा तो फिटल का प्रेजेंटेशन कौन सा होगा, पार्शियल एक्सटेंशन, डिफ्लेक्शन, कंप्लीट एक्सटेंशन या फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन को तो आप कर दो बाहर, डिफ्लेक्शन कर दो को भी कर दो बाहर, और पार्शियल नहीं होगा या फुली एक्सटेंस होगा, मतलब कंप्लीट यहाँ पे एक्सटेंशन होगा, क्या होगा, कंप्लीट एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फिटस टू दैट द डेट ऑफ मदर, ठीक है। मदर का और फिटस की लॉन्ग एक्सिस का रिलेशन, फिटल एटीट्यूड, फिटल प्रेजेंटेशन, फिटल पोजीशन और फिटल लाई। तो फिटल लाई कहलाता है, क्या कहलाता है, फिटल लाई, मतलब ये आपका यूट्रस है, मदर का यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है। और इस यूट्रस के अंदर फिटस की लाई किस प्रकार की है, फिटस की लाई मान लो ये है, ठीक है। तो ये जो है फिटस की स्पाइन और मदर की स्पाइन सेम है, ये लॉन्गिट्यूडिनल होगा, ठीक है। और यूट्रस है इस प्रकार से, और अगर मान लो बच्चा इस प्रकार से है तो ये ट्रांसवर्स लाई होगी, कौन सी होगी, ट्रांसवर्स लाई होगी, लाई है, लाई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कल, तो ये सारे के सारे टॉपिक है कल के, एम्प्लांटेशन पढ़ेंगे अपन, फिटल डेवलपमेंट पढ़ेंगे अपन कल, प्लेसेंटा पढ़ेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड पढ़ेंगे एंड फिटल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे के टॉपिक जो है वो अपन कल कैरी ऑन करेंगे और कल ही फिनिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। तो कल फिर मिलते हैं 8 बजे, और मत भूलना क्लास को देखना, क्लास को देखना आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो जरूर निभाना। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।